डिस्कस कर रहे थे लेक्चर वन हमने पढ़ लिया था जो बेसिक इंट्रोडक्शंस था। ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि बायो ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात की थी हमने। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शंस में क्या क्या हमने बातें की थी वो तीन पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को। हो गई भाई क्लास स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। ठीक है, तो देखो बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो बताओ कुछ नए स्टूडेंट भी है क्या? बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, बताओ नए स्टूडेंट हो गया भाई कोई? नए स्टूडेंट कितने के हैं एक बार बता दो भाई, या वही पुराने वाले हैं? तो देखो जिस जो भी नया स्टूडेंट है तो वो एक बार पहला जो फर्स्ट लेक्चर था बायो इनऑर्गेनिक का वो एक बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखना है। ठीक है, पर जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था पिछली क्लास में वो तीन चीजों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने कहा था पोरफायरिन रिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट मैंने बताया था मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स की बात की थी मैंने। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था वो हमने हेम ग्रुप की बात की थी, क्योंकि बेसिकली हमें हेम ग्रुप जो है वो यूज करना था आगे चल के मायोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर हमें यूज करना है। तो हेम ग्रुप क्या होता है उसके लिए हमने थोड़े से बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि पोरफायरिन रिंग क्या हुई, मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और मेरे पास हेम ग्रुप। तो हेम ग्रुप क्या होती थी कि आयरन मेटल, जो भी नया स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लेना आज ही। ठीक है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हेम ग्रुप क्या होता है, मैं हेम ग्रुप यूज करूंगा। तो हेम ग्रुप क्या होता है जिसमें आयरन मेटल हो और पोरफायरिन रिंग हो, पोरफायरिन रिंग हो, आयरन मेटल हो और पोरफायरिन रिंग हो, उसे क्या कहते हैं? हेम ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पोरफायरिन रिंग और आयरन मेटल जो होता है उसको क्या कहते हैं? हेम ग्रुप। एक तो सना है नया स्टूडेंट, ठीक है, सना फतिमा सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लो। ठीक है, और उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, क्या क्या चीजें मैंने बताई थी उसके ऊपर देखो, और उसके बाद आप, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से इतना नहीं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आराम से समझ सकते हो, पर आज ही फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, और भी है क्या कोई नया? देखो मैंने कहा आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग होती है, आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग किसके क्या बोला जाता है? इसको हेम ग्रुप बोला जाता है। बस इतनी बात पिछली क्लास की मैं यूज करूंगा, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां से कि हेम ग्रुप हमने देख लिया कि क्या होता है, आयरन मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मायोग्लोबिन से। मायोग्लोबिन को एमबी से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है, मायोग्लोबिन को एमबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहां मायोग्लोबिन की बात करें तो सबसे पहले मायोग्लोबिन में क्या होता है, मायोग्लोबिन में हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, या मैं ये बात करूं कि मायोग्लोबिन प्रेजेंट ही कहां होता है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले टिश्यूज के अंदर तो प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, प्रेजेंट इन टिश्यूज। ठीक है, और ये काम क्या करता है टिश्यूज के अंदर, या इसी को मसल्स बोला जाता है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, काम क्या करता है, डाया ऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करता है, मतलब जो हमारा ओटो मॉलिक्यूल है उसको स्टोर करने का काम करता है। फिर क्या करेगा आगे, एंड इट्स स्टोरेज ऑफ डाया ऑक्सीजन। ठीक है, डाइऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करता है, और ये क्या काम करता है, ये जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उसमें यूज किया ही जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन, ठीक है, हेम ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हेम ग्रुप मैंने क्या होता है, आयरन मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग,
आयरन मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग को हम क्या कहते हैं, हेम ग्रुप बोला जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या होता है, देखो हेम ग्रुप होने का आयरन मेटल प्लस पोरफायरिन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं, और इसके पास क्या होते हैं 153 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 153 एमिनो एसिड। ये जो मैंने एमिनो एसिड लिखे हैं ये प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे मायोग्लोबिन का, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पॉइंट थे। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास एक तो मैंने कहा हेम ग्रुप होता है, हेम ग्रुप होने का मतलब आयरन मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग होगी, ठीक है। तो यहां से ये मैं यहां शॉर्ट लिख रहा हूं भाई, इसमें पोरफायरिन रिंग में क्या थे, चार नाइट्रोजन थे, वो चारों नाइट्रोजन किसके साथ, आयरन के साथ बाइंड थे। तो ये चार नाइट्रोजन जो दिखा रखे हैं किसके हैं, पोरफायरिन रिंग के हैं, और बीच में क्या है भाई, ये आयरन मेटल है, ठीक है। और यहां इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे क्या जुड़ी होती है, एक प्रोटीन चेन जुड़ी होती है, इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइड पे क्या जुड़ी होती है, एक प्रोटीन चेन जुड़ी होती है, और उस प्रोटीन चेन का यहां लिखा है मैंने HIS, HIS का मतलब होता है स्टडीन, स्टडीन जो होता है एक एमिनो एसिड होता है, ठीक है। वो एमिनो एसिड में यहां आयरन के साथ ये जो डैश डैश करके दिखाया है ये इसका मतलब है एक प्रोटीन चेन है, और उस प्रोटीन चेन के कौन सा एमिनो एसिड यहां बाइंड है आयरन के साथ, वह है स्टडीन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन चेन कैसे बनती है, किससे बनती है, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एक लॉन्ग चेन बन जाती है, वो हमारी प्रोटीन चेन बन जाती है, और उस प्रोटीन चेन का कौन सा एमिनो एसिड, स्टडीन जो एमिनो एसिड होता है वो किसके साथ, आयरन के साथ बाइंड कर रखा है, ये चीज मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके सिक्स कोऑर्डिनेटेड पे थोड़े से वॉटर के मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन होते हैं, यहां डायरेक्ट लिंक्ड नहीं होता है वॉटर मॉलिक्यूल, बस नाम के इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब आप क्या कह सकते हो, यहां कोई भी ये वैकेंट साइट है, इसके कोई नहीं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके अराउंड क्या होते हैं, जो आपके मैंने कहा 153 एमिनो एसिड होते हैं, 153 एमिनो एसिड जो लिखे हैं वो इसके अराउंड घूम रहे होते हैं, पर वो एक एमिनो एसिड की फॉर्म में नहीं होते, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं। तो यहां ये बात ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं। दूसरी चीज यहां कि आपके पास ये पोरफायरिन है और इसके साथ ये फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड, चार कोऑर्डिनेटेड तो कौन हो गए, ये पोरफायरिन के चार नाइट्रोजन और फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड है स्टडीन। अब देखो इस आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला ही क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कि बताओ मायोग्लोबिन के फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे कौन सी एमिनो एसिड या कौन सी प्रोटीन चेन जुड़ी रहती है, तो कौन सी होगी, स्टडीन होगी। जैसे एमिनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो मैं एमिनो एसिड किसको कहते हैं, जैसे मैं कहते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड, भाई देखो ध्यान रख, आप जो भी यहां देख रहा है वो क्या करना है भाई सभी को, कि जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, 20 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, उन 20 अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर याद कर लेना है, ठीक है। क्लास के बाद क्या करना है, जो 20 अल्फा एमिनो एसिड है उनकी स्ट्रक्चर याद कर लेनी है, ठीक है। चाहे वो नेट से सर्च करके याद करो, चाहे आप वहां बुकलेट के अंदर भी दे रखिए, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है जो नेचुरल प्रोडक्ट नाम से जाना था, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर है, 20 अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है वो याद कर लेना है, ठीक है। वो उससे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली रूप से भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखो क्या होता है, अगर एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो मैं कहूंगा एक ही कार्बन पे क्या होता है, सी डब्ल्यू माइनस, और उसी कार्बन पे एनएच थ्री ग्रुप होता है, या इसी को एनएच टू सी डब्ल्यू एच कह देते हैं, और यहां क्या ग्रुप जुड़ा हुआ था, आर ग्रुप। ये मैं कहूंगा आर ग्रुप आप जैसे जैसे चेंज करते जाते हो वैसे वैसे एमिनो एसिड का नाम भी चेंज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास ये आर की जगह में क्या लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइसिन। यहां हाइड्रोजन की जगह मैंने सी एस थ्री लगा दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। यहां प्रोपाइल लगा दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा। सी एच टू एस एच लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा। ऐसे यहां क्या कर दिया जाए, जब मेरे पास CH2 इमिडाजोल रिंग लगा दी जाती है,
CH2 और इमिडाजोल रिंग लगा दी जाती है। इस रिंग को बोला जाता है इमिडाजोल रिंग। जब ये रिंग लगा दी जाती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है क्या, स्टडीन एमिनो एसिड। इसको स्टडीन एमिनो एसिड। और अब हमें पता है कि ये स्टडीन जो एमिनो एसिड है ये एक्चुअल में एक एमिनो एसिड की फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, एक प्रोटीन चेन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटीन चेन बना देंगे, मतलब एक पेप्टाइड चेन बना देंगे इसके बीच में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक पेप्टाइड चेन बन गई। इस साइड में भी क्या कर देंगे, हाँ पेप्टाइड चेन बना देंगे, तो ये पेप्टाइड चेन हो गई। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये आपके पास पूरी प्रोटीन चेन डैश डैश करके दिखा दी, और ये मेरे पास क्या होता है भाई, यहां मैं इस टाइप से लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या होता है, यहां इसको बोला जाता है इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल। ठीक है, इसको क्या का नाम दिया जाता है, इमिडाजोल रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इमिडाजोल, और इस इमिडाजोल रिंग से देखो, ये इस इमिडाजोल रिंग के साथ जो ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं इस आयरन मेटल के साथ बाइंड रहते हैं, जो ये आयरन मेटल है इसके साथ बाइंड रहते हैं, जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये लोन पेयर किसके साथ, इस आयरन मेटल के साथ बाइंड रहते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें बताई, तीन क्वेश्चंस इस बार, इससे ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा था नेट ने, एक स्टेटमेंट पूछी थी कि क्वेश्चन दे रखा था साइटोक्रोम P450 का और ऑक्जी मायोग्लोबिन का, तो उसमें कहा था कि बताओ क्या फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पर ऑक्जी मायोग्लोबिन में और साइटोक्रोम P450 के अंदर क्या फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे स्टडीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है क्या, तो वो स्टेटमेंट थी गलत स्टेटमेंट थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। क्यों थी, यहां मायोग्लोबिन के ऊपर तो जुड़ा हुआ होता है फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे स्टडीन, बट साइटोक्रोम P450 के फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे नहीं जुड़ा होता, उसकी जगह कौन जुड़ा हुआ होता है, सिस्टीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसी बार पूछा था जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ, उसी में ये एक स्टेटमेंट पूछी थी ऑक्जी मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 से। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, इस बार जो पूछी ली इसने कि इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, तो कौन सा होता है, स्टडीन, ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पूछी थी। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बनता है कि यहां फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे जो स्टडीन जुड़ा हुआ है इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, वो कौन सी रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ यहां मेरे पास जो आयरन है और जो ये फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे स्टडीन है, इस स्टडीन का कौन सा एटम इस आयरन मेटल के साथ बाइंड है, इस स्टडीन का कौन सा एटम इस आयरन एटम के साथ बाइंड है, तो आयरन एटम के साथ कौन सा एटम बाइंड है, नाइट्रोजन एटम। तो यहां से देख सकते हो नाइट्रोजन एटम जो है वो इस आयरन के साथ बाइंड है। तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस आपसे पास। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, ये क्या काम करता है, स्टोरेज करता है डाया ऑक्सीजन का। जब डाया ऑक्सीजन का स्टोरेज करेगा, मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या काम करेगा, जैसे मेरे पास यहां आयरन मेटल है, ये आपका क्या है, पोरफायरिन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है भाई, और इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे क्या जुड़ा हुआ है, स्टडीन। ठीक है, ये आपका क्या था, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, और आपके पास मैं बता ही चुका हूं इसके सराउंडेड में 153 एमिनो एसिड घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, ये O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और O2 मॉलिक्यूल यहां जाकर के बाइंड हो जाता है, तो यहां क्या होता है भाई, तो इसके जो 6 कोऑर्डिनेटेड साइट होती है, ये जो 6 कोऑर्डिनेटेड साइट होती है, यहां आकर के बाइंड हो जाता है, यहां सिंपली आकर के बाइंड हो जाता है। तो सबसे पहला देखो, ये मेरे पास क्या था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 5 था, मतलब 5 यहां लिगेंड जुड़े हुए थे। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही O2 यहां बाइंड होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6, मतलब 6 लिगेंड जुड़ गए, 6 लिगेंड जुड़े, तो इसे क्या बोला जाता है, O2 जुड़ जाता है, तो इसे ऑक्सी मायोग्लोबिन बोला जाता है, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता और डाइऑक्सीजन, तो इसे बोला जाता है डीऑक्सी मायोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां से देखो, ये जब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे तीन क्वेश्चंस मैंने बताए इसके ऊपर पूछे जाते हैं,
अब यहां से O2 के रेस्पेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि बताओ यहां जो डाया ऑक्सीजन जुड़ता है किस फॉर्म में जुड़ता है, बेंट फॉर्म में जुड़ता है या लीनियर फॉर्म में जुड़ता है, बेंट फॉर्म में जुड़ता है या लीनियर फॉर्म में जुड़ता है। तो देखो यहां एक्चुअल में जो O2 जुड़ता है ये किस फॉर्म में जुड़ता है, बेंट फॉर्म में जुड़ता है। ये जो O2 जुड़ता है ये किस फॉर्म में जुड़ता है भाई, बेंट फॉर्म में। नेट ने कई बार इसकी ऊपर क्वेश्चन दे चुका है ये स्टेटमेंट कि O2 जो मॉलिक्यूल है वो बताओ बेंट फॉर्म में जुड़ता है या लीनियर फॉर्म में जुड़ता है, तो ध्यान रखना है बेंट फॉर्म में। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बेंट फॉर्म में जुड़ता क्यों है, आखिर बेंट फॉर्म में जुड़ता क्यों है। तो देखो यहां मैंने कहा इसके अराउंड क्या होते हैं, 153 एमीन एसिड इसके अराउंड घूम रहे होते हैं। ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं, जब ये डायऑक्सन जुड़ने आता है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो स्टडीन होता है, इस स्टडीन का नाम होता है यहां पर स्टडीन F8 बोला जाता है इसी को ही, या स्टडीन 93 भी कहा जाता है इसको, या फिर इसी को ही प्रोक्सिमल स्टडीन भी बोला जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रोक्सिमल स्टडीन भी, ठीक है। अगर मैं इस यहां क्या होता है, मैंने कहा जब ये 153 एमिनो एसिड, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो 153 एमिनो एसिड है वो एक्चुअल में एमिनो एसिड की फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, वो आपकी प्रोटीन चेन की फॉर्म में है, और उनमें जो टोटल एमिनो एसिड होते हैं वो 153 है। तो मैंने कहा ये जो O2 मॉलिक्यूल है ये किस फॉर्म में जुड़ता है, बेंट फॉर्म में जुड़ता है। और बेंट फॉर्म में क्यों जुड़ता है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, तो इसके सराउंडिंग में प्रोटीन चेन है इसके थ्रू। यहां कौन से मिलती है, यहां ये जैसे O2 मॉलिक्यूल है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी स्टडीन या 64, या स्टडीन इसे E7 भी कहा जाता है, या इसी को ही डिस्टल बॉन्ड भी बोला जाता है, डिस्टल स्टडीन, डिस्टल स्टडीन। तो यहां जो स्टडीन ये होता है इसके थ्रू इस O2 मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब यहां इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल हो जाता है। अगर ये O2 मॉलिक्यूल लीनियर फॉर्म में जुड़ता है, मान लो मेरे पास ये O2, मैंने कहा बेंट फॉर्म में जुड़ता है, अगर मान लो ये लीनियर फॉर्म में जुड़े तो यहां इसको क्या नहीं मिल पाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाती है। कब, जब लीनियर फॉर्म में जुड़ता है, और लीनियर फॉर्म में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स जो हमारा है ऑक्सी मायोग्लोबिन ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, ये O2 मॉलिक्यूल जो बाइंड होता है वो बेंट फॉर्म में होता है। यही रीजन होता है कि जब मेरा साइनाइड हो, क्या हो, साइनाइड हो आपका, CO हो या NO हो, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां, इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी O2 से बहुत ही ज्यादा होती है, फिर भी ये इसके 6 कोऑर्डिनेटेड साइट पे बाइंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी किस फॉर्म में जुड़ते हैं भाई, लीनियर फॉर्म में जुड़ते हैं। ये किस फॉर्म में जुड़ते हैं, लीनियर फॉर्म में, और जब लीनियर फॉर्म में जुड़ेंगे तो ये क्या होती है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाएगी और कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहां इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, लगभग 200 टाइम ज्यादा होती है, और फिर भी ये बाइंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं बाइंड होते हैं, क्योंकि इनकी ये किस फॉर्म में जुड़ते हैं, लीनियर फॉर्म में, और कोई भी अगर लीनियर फॉर्म में जुड़ेगा तो उसको यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाएगी, जो इसके अराउंड 153 एमिनो एसिड है, जो स्टडीन 64 है, इसके थ्रू इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाएगी और हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। जैसे मैं यहां रियल इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि कैसा होता है, कैसे स्टेबलाइज होता है, कैसे यहां डायऑक्सन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। एक मिनट रुकना भाई, ठीक है,
देखो इधर ध्यान दो भाई अब सभी, ये जैसे मेरे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन है कि मायोग्लोबिन के साथ डाई ऑक्सीजन कैसे बाइंड होता होगा, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ क्या होता है कि आयरन के साथ इसके सिक्स कोऑर्डिनेटेड साइट पे क्या जुड़ता है, देखो इसकी मैंने क्या कहा डाइऑक्सीजन की बाइंडिंग होगा ऑक्सीजन, तो यहां मेरे पास क्या रहेगा आयरन मेटल है और ये पोरफायरी रिंग है, ये मेरे पास क्या है पोरफायरी रिंग होगी, ठीक है सिंपली है। और इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड मैंने क्या बताया स्टरीन जो प्रोटीन चेन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहां मेरे पास जो ये चार नाइट्रोजन है, एक तो ये नाइट्रोजन हो गया, यहां से मैं इसको रेड कलर कर देता हूं, एक तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये मेरे पास, ये चार तो नाइट्रोजन किसके हैं पोरफायरिन रिंग के हैं, बीच में आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है आयरन मेटल है, बीच में ये क्या है आयरन मेटल, ये इस टाइप से यहां बाइंड है, ठीक है। और इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे ये आपके पास देखो स्टरीन 93 है, स्टरीन 93 है जिसको मैंने क्या कहा यहां इसी को ही बोला था स्टडीन 93 या स्टडीन F8 बोला इसी को ही, या इसी को ही क्या बोला था प्रोक्सिमल स्टडीन, देखो ये लिखा हुआ है प्रोक्सिमल स्टडीन, ठीक है इसी का क्या नाम है प्रोक्सिमल स्टडीन। अब इसके सिक्स्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे ये O2 मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बताया बेंट फॉर्म में, मैंने कहा जुड़ा है, क्यों जुड़ता है बेंट फॉर्म में, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसके सराउंडिंग में प्रोटीन चैन होती है उससे, तो यहां जो उसके सराउंडिंग में प्रोटीन चैन हो किससे होती थी स्टडीन 64 या डिस्टल स्टडीन, या इसी का नाम क्या लिया जाता है मैंने क्या बताया स्टडीन ई सेवन, तो ये इससे स्टेबलाइज हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अगर मेरे पास मैं कहता हूं कि मेरे पास CO हुआ NO हुआ या साइनाइड हुआ ये बाइंड क्यों नहीं होते, क्योंकि लीनियर फॉर्म में जुड़ेंगे और लीनियर फॉर्म में जब जुड़ते हैं तो इनके साथ क्या नहीं होती ये जो स्टडीन 64 है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन नहीं कर पाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाती है, तो इसी वजह से यहां हमारे पास क्या नहीं होता CO CN या साइनाइड बाइंड नहीं होते क्योंकि लीनियर फॉर्म में जुड़ते हैं। अब देखो यहां से ये जो फॉर्म लिखी है ब्लैक फॉर्म, जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्ट्रक्चर कौन सी है आपके पास मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। देखो यहां आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ स्टडीन 64 और ये स्टडीन 93 और ये बीच में क्या है पोरफायरिन का प्लेन है, और ये जो रेड कलर की है ये सभी क्या है जो मैंने 153 एमिनो एसिड बताए वो प्रोटीन चेन है जो इसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है इसकी प्रोटीन चेन है जो क्या है 153 एमिनो एसिड है और वो सभी मिलकर क्या बने हुए हैं प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन से कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 64 हो गया और ये स्टडी 93 वाले को प्रोक्सिमल बॉन्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डिस्टल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड करें। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की थोड़ी मैं बात करूं कि मैकेनिज्म क्या होती है हमारी, इसकी मैकेनिज्म कैसे जुड़ता होगा, तो मैंने कहा देखो सबसे पहले ऊपर थोड़ा जूम कर देना वहां से कैमरा सेट देख दिख रहा है सी। अब देखो यहां मैंने क्या कहा है सॉल्वेंट, देखो ये सबसे पहले ये हमारे पास क्या है आपके पेंटा कोऑर्डिनेटेड यहां डीऑक्सीमायोग्लोबिन लिखा है, ये हमारी ए स्ट्रक्चर है पेंटा कोऑर्डिनेटेड डीऑक्सीमायोग्लोबिन। यहां देखो इसके ये मेरे पास जो ये रिंग है ये क्या है पोरफायरिन रिंग है और इसके नीचे ये आयरन मेटल है, यहां इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे क्या जुड़ा हुआ है स्टडीन 93 जुड़ा हुआ है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है डीऑक्सी फॉर्म है डीऑक्सीमायोग्लोबिन। अब देखो मैंने कहा था इसके साथ थोड़े से वॉटर के इंट्रैक्शन भी रहते हैं, ये हमारा वॉटर मॉलिक्यूल है और ये है स्टडीन 64 है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है डीऑक्सीमायोग्लोबिन है। सबसे पहला यहां काम क्या होता है वॉटर का निकलना, KH2O मॉलिक्यूल है तो यहां से वॉटर लीव कर जाएगा यहां से। अब सेकंड जैसे ही वॉटर लीव कर जाता है पहली स्टेप में हमारे क्या होता है वॉटर का रिमूवल, अब सेकंड स्टेप में क्या है पेंटा कोऑर्डिनेटेड डीऑक्सीमायोग्लोबिन, मतलब वो H2O निकाल दिया बस उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है O2 मॉलिक्यूल की एंट्री हो रही है, मतलब जो डाया ऑक्सीजन था डीऑक्सी से ऑक्सीजन आएगा तो हमारा क्या होगा O2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा और जब O2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यहां ऑक्सीजन की एंट्री होगी। तो देखो ये मेरे पास पोरफायरिन रिंग थी आयरन और चार मेरे पास क्या जुड़े थे यहां पोरफायरिन के नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे स्टडीन था और इसके सराउंडेड में क्या थे
इसके सराउंडेड में क्या थी, प्रोटीन चेन थी 153 एमिनो एसिड की, ठीक है। तो यहां देखो ये एमिनो एसिड, जैसे कोई भी मेरे पास O2 मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे पूरी क्लास भरी हुई है और आपको अंदर आना है, एक स्पेस आपको कह दिया जाए, वहां जाकर के बैठना है कोने में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे दरवाजे से एंट्री करोगे तो सबसे पहले तो पूरी क्लास भरी हुई है, तो आप देखो चेक करोगे कि कहां स्पेस है वहां, उस जो चेयर रखी हुई है उस चेयर पर बैठाने के लिए, तो स्पेस चेक करोगे वहां जा। और अगर पूरी क्लास खाली है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस चेयर तक पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब आपकी रेट जो है, अगर पूरी क्लास भरी हुई है तो आपकी रेट स्लो होगी, क्योंकि आप चेक करोगे स्पेस कहां से है और उस स्पेस से होते हुए आप चेयर तक पहुंचोगे। बट पूरी क्लास खाली है तो आप डायरेक्ट इंटर करोगे और सीधे कहां चेयर तक पहुंच जाओगे, आपको स्पेस देखने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि पूरी क्लास खाली है। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, जब इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, प्रोटीन चेन रहेंगे, तो जैसे ही O2 मॉलिक्यूल आएगा तो O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से स्पेस चेक करेगा और उसको जहां जहां प्रोटीन चेन है तो उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो देखो ये जो O2 दिखा रखा है इस टाइप से दो एरो, ये दो एरो का मतलब क्या है कि यहां से O2 की एंट्री हो रही है, इनके जो प्रोटीन चेन थे इनको हटाया है और यहां से मेरा O2 मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एंट्री करवा रहा है। तो ये O2 मॉलिक्यूल की क्या हुई, यहां एंट्री हुई है, मतलब O2 मॉलिक्यूल यहां बाइंड होने के लिए इसकी प्रोटीन चेन की जो लेयर थी इसके 153 एमिनो के अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास ये सी के बाद जब डी स्टेप आता है तो यहां देखो के लिखा है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये मेरे पास O2 मॉलिक्यूल यहां बाइंड हो गया है, O2 मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, बाइंड हो चुका है। पर जैसे ही यहां मेरे पास बाइंड होने के बाद हमें स्टेबलाइज करने, स्टेबलाइज कौन करता था, स्टडिन 64, ये स्टडिन करता था, और ये 64 इसके साथ कैसे करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कहां, देखो यहां के स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, के स्टेबलाइज, के स्टेबलाइज मतलब कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहां से ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके दिखा रखी है, ये क्या दिखा रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके दिखा रखी है, और यहां से हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। देखो ये लिखा हुआ के स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट, तो ये इसकी क्या होती है, पूरी मैकेनिज्म होती है कैसे मेरा O2 मॉलिक्यूल डीऑक्सी से Og4 में कन्वर्ट होता है, मतलब O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, कैसे उसे स्टेबलाइजेशन मिलता है, किसके थ्रू स्टेबलाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होती हुई, ज्योति सर क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, और जूम करो सर, सेकंड स्लाइड नोट क्लियर, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट भाई, दिख जाएगा एक बार आपके पास स्लाइड अपलोड करते नहीं, पर भी नहीं हो सकती स्लाइड, जो मैंने जो पीडीएफ दिखाई है कि आपको मिल जाएगी वहां आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको एक बार जहां जहां जो जो मैं पॉइंट बोले एक बार अपने हाथ में वो स्लाइड लेना है और उसके बाद चेक करना है, ठीक है। यहां से काफी जूम करके देख लिया, वो अच्छे से क्लियर आ ही नहीं रहा है स्लाइड्स, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पे वो असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट की फॉर्म है वो आपको डाल दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को हाथ में लेना और फिर वीडियो चेक करना, ठीक है। वीडियो वापस देखना, क्योंकि वापस देख सकते हो और पॉज करके चेक करना कि मैंने क्या क्या चीजें कहां कहां मैंने सर्किल बनाए हैं, उसी चीज के बारे में बोल रहा है, तो चीज आप चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसमें टेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार देख लेना है, ठीक है। कोई नहीं, सुनाई देना था बस, ठीक है। दिखाई देने, दिखाई तो वैसे नहीं वो दिख रहा था वो, ठीक है, कोई बड़ी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको वो असाइनमेंट था वो दे दिया जाएगा, पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को हाथ में लेना और यहाँ जो वीडियो है उसको पॉज करके देखना कि मैंने कहाँ पर क्या क्या बातें बोली है, वही चीज तब आपको अच्छे से दिखाई देगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल मैकेनिज्म समझाया कि पहले, सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल हटेगा,
O2 मॉलिक्यूल जब हट जाएगा उसके बाद O2 मॉलिक्यूल यहाँ ना H2O मॉलिक्यूल हटेगा, फिर उसके बाद O2 मॉलिक्यूल आएगा वो आकर के बाइंड होगा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि स्टेबलाइज, मतलब मेरे पास जो मायोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन में O2 बाइंड हुआ है उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। किसके थ्रू मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मिलता है, जो आपके पास स्टडीन 64 देखो यहाँ मैंने जो सारी चीजें दिखा रखी है ये, ठीक है, आप इससे देख सकते हो कि ये मेरे क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेम काम वहां पर भी दिखाया गया है, ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से, जैसे मैं इसकी बात करूं, देखो यहां मैं वापस कर देता हूं एक बार चेक कर ले, देखो ये सारी चीजें मैं बोल ले रखा है, ठीक है, कि यहां मेरे पास H2O मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये आपके पास O2 की एंट्री हो रही है, ये आपके पास देखो ये मेरे पास यहाँ O2 की एंट्री दिखाई गई है, उसके बाद यहाँ O2 जुड़ गया है, फिर यहाँ के स्टेबलाइजेशन हुआ है, मतलब यहाँ स्टेबलाइजेशन हुआ है किसके थ्रू, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखी हुई है। तो ये जो आपका असाइनमेंट है ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको, उसके बाद वीडियो देख लेना है कि कहाँ मैं क्या क्या सर्किल कर रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, उसको अच्छे समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे, मैंने कहा मेरे पास सिंपली जो था वो आयरन की, जब ऑक्सी फॉर्म की बात करता हूं तो ऑक्सी फॉर्म में होता क्या है भाई, यहाँ आयरन मेटल रहेगा और उसके साथ मेरे पास क्या क्या रहेंगे, चार पोरफायरिन रिंग रहेंगे, ना सॉरी एक पोरफायरिन उसके चार नाइट्रोजन, ये दिखा दिए, यहाँ उसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड पे स्टडीन जुड़ा हुआ है और सिक्स कोऑर्डिनेटेड पे O2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ बेंट फॉर्म में, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सी मायोग्लोबिन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि ये जो O2 मॉलिक्यूल आता है ये किस फॉर्म में जुड़ता है, जैसे आपने अभी बताया बेंट फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है डाइऑक्सीजन उसकी भी फॉर्म होती है, एक तो हमारे पास जैसे फ्री O2 मॉलिक्यूल हो गया, एक आपके पास सुपर ऑक्साइड होगा जिसको O2 माइनस कहते हैं, एक आपके पास पर ऑक्साइड होगा जिसको O2 माइनस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पर ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फ्री O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यहां करना क्या होता है, देखो यहां कि ये इनमें से कौन सी फॉर्म में जुड़ता है ये हमें ध्यान रखना है, तो यहां जो ये O2 जुड़ता है ये किस फॉर्म में जुड़ता है, एक्चुअल में ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है, किस फॉर्म में जुड़ता है सुपर ऑक्साइड, काफी बार ये चीज पूछ चुका है कि कौन सी फॉर्म में जुड़ता है, तो कौन सी फॉर्म में जुड़ता है सुपर ऑक्साइड, मतलब यहां O2 माइनस की फॉर्म में जुड़ता है, ये O2 मॉलिक्यूल जो जुड़ता है किस फॉर्म में जुड़ता है भाई O2 माइनस की फॉर्म में जुड़ता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। अब देखो यहां सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है तो कई बार क्या पूछा जाता है कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है कि यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या होगी कितनी होगी, ठीक है, तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि भाई किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो यहां देखो आपने जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा तो उसमें एक हुक्स लॉ पढ़ा होगा कि यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 pi अंडर रूट में K/μ पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, तो यहां से जो के है ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, फोर्स कॉन्स्टेंट बताता है, फोर्स कॉन्स्टेंट, और जो म्यू होता है ये क्या होता है भाई रिड्यूस मास होता है, ये क्या होता है रिड्यूस मास, ये फोर्स कॉन्स्टेंट ये रिड्यूस मास। फोर्स कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि कोई भी दो एटम है उन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका फोर्स कॉन्स्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ये फोर्स कॉन्स्टेंट हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करके देगा, ये हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा कि मेरा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो जितना ज्यादा फोर्स कॉन्स्टेंट होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि ये म्यू क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, तो म्यू जो होगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से मैं बोल सकता हूं अंडर रूट के, कि मेरा जो के कि जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी भाई उतनी ही ज्यादा होगी,
उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब कि जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से अब मैं कैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकता हूं, कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास, मुझे अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाए तो मैं यहां से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकता हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, मैं बॉन्ड ऑर्डर से पता कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां से अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, कि इनमें से O2, एक फ्री O2 के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भाई कितना होता है, 2 होता है। लिखते भी आप खूब ऐसे लिख देते हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 हो गया। यहां अगर एक सुपर ऑक्साइड की बात करूं O2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। और एक पर ऑक्साइड की बात करूं O2 माइनस 2 की, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका होता है 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आप देख सकते हो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा तो म्यू ज्यादा, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहां से एक चीज तो बता सकता हूं, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, फ्री O2 मॉलिक्यूल की। और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो होती है लगभग 1560 पर सेंटीमीटर। कितनी होती है, 1560 पर सेंटीमीटर। यहां अगर मैं बात करता हूं इस O2 की, सुपर ऑक्साइड की, तो इसकी आती है लगभग 1100 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स, लगभग 1100 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। किसकी, सुपर ऑक्साइड की। अगर मैं पर ऑक्साइड की बात करता हूं तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है वो लगभग आती है यहां 800 के अप्रोक्स, 800 के अप्रोक्स। मतलब यहां क्या होगा, अगर कोई O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड होता है, तो आप क्या कहोगे उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने के अप्रोक्स आएगी, 1100 के अप्रोक्स। और अगर वो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड होता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 800 के अप्रोक्स। यहां जो डायऑक्सिन मायोग्लोबिन में जो डायऑक्सिन बाइंड हो रहा है वो किस फॉर्म में बाइंड हुआ है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। और अगर सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड हो रहा है तो आप उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी कहोगे, 1100 के अप्रोक्स। क्या कहोगे, 1100 सुपर ऑक्साइड O2 माइनस। तो यहां आप क्या लिख सकते हो भाई, 1100 के अप्रोक्स। गेट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो उसकी पहला ही ऑप्शन दे रखा था 1100 लिख रखा था, पहला ही ऑप्शन 1100 लिख रखा था। तो ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने के अप्रोक्स आएगी, 1100 के अप्रोक्स इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है भाई, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो नेट में पिछली साल क्वेश्चन आया था, पिछली साल क्या क्वेश्चन आया था नेट के अंदर, देख सकते हो आप, कि सबसे पहले पूछा था कि O2 प्लस, O2, O2 माइनस और O2 माइनस 2 में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहां देखो O2 कितनी होती है, 1560, ये सुपर ऑक्साइड की 1100 के अप्रोक्स। यहाँ O2 माइनस 2 मतलब हमारे 800 के अप्रोक्स रह जाएगी। ये क्या कितनी होती है, लगभग 1860 होती है, लगभग 1860। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, ये ऑर्डर बन जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है, नेट में पिछली साल पूछा था ये। तो ये ध्यान रखना है भाई, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो ये हमारी था बॉन्ड ऑर्डर, उसमें कौन सा आइटम जुड़ता है, बेंट फॉर्म में कौन जुड़ेगा, लीनियर फॉर्म में क्यों नहीं जुड़ता, ये सारी बातें मैंने बताई है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो हम दोनों में रिलेशन देखेंगे, कि एक डीओजी में और एक ऑक्जी के अंदर क्या रिलेशन, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट किस में क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर मैं एक साइड में लिख देता हूं डीऑक्सी मायोग्लोबिन और दूसरी साइड में लिख देता हूं ऑक्जी मायोग्लोबिन, ठीक है, डीऑक्जी मायोग्लोबिन और ऑक्जी मायोग्लोबिन। अगर डीऑक्जी मायोग्लोबिन की मैं बात करता हूं तो यहां जो आयरन मेटल होता है ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये किसमें होता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहां ऑक्जी मायोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास आयरन मेटल जो होता है वो प्लस टू में भी होता है। और इस बार जैसे कंफ्यूजन इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया था कि ऑक्जी मायोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई थी प्लस थ्री, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो उस पे YouTube पे, तो मैंने कहा था कि बहुत सारी बुक्स के अंदर आयरन मेटल लो स्पिन और प्लस टू लिखा हुआ है, आयरन मेटल लो स्पिन प्लस टू, ठीक है। जैसे आपकी पास हुई हो गई तो उसमें भी आयरन लो स्पिन प्लस टू लिखा है, हाउस क्राफ्ट में भी यही बात लिखी हुई है, पर उसकी जो उसमें एक और बात भी लिखी हुई है कि वो प्लस थ्री की फॉर्म में जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, ठीक है।
जैसे स्पेक्ट्रो, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जनरली हम पता करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मेरे पास एक्सरेज हो गई, मॉसबोर हो गई, इस टाइप से, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रो से डिफरेंट बात कहती है। कोई कहती है कि प्लस थ्री में जा सकता है, पॉसिबल है, कोई कहता है कि प्लस टू में ही रहेगा, ठीक है। तो यहां हम दोनों को मान के चलेंगे, क्योंकि नेट के एग्जाम में आपके पास अगर पूछता है, देखो यहां, तो यहां प्लस टू और प्लस थ्री अगर पूछता है तो आप प्लस टू पे टिक करके आएंगे, ठीक है। कि पूछ लेता है कि कौन सी ऑक्साइड है, तो प्लस टू पे टिक करके आएंगे। पर यहां देखो, इस बार जो क्वेश्चन दिया था वो आप पहले से ही बोल रखा था प्लस थ्री में है, और उसने ऑप्शंस ऐसे सेट किए थे कि आपके पास अगर आप इसको प्लस थ्री नहीं मानोगे ऑक्जी मायोग्लोबिन को, तो आपका ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं किया उसने, उसने सिंपली क्या बनाया, उसने डायरेक्ट कह दिया कि आयरन प्लस थ्री को आपको प्लस थ्री मानोगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, अगर आप प्लस टू मान के चलोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इस बार क्वेश्चन जो पूछा था वो प्लस थ्री दे रखा था ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो प्लस थ्री में उसने ऑप्शंस ऐसे सेट किए थे कि आप प्लस थ्री मान के चलोगे तभी आपका ऑप्शन मैच करेगा, अगर प्लस टू मानोगे तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा, ठीक है। तो उसने ऑप्शंस ही ऐसे सेट किए थे। तो ध्यान रखना है कि ये प्लस टू मान के चलोगे या प्लस थ्री, तो दोनों में हो सकता है, ध्यान रखना है। पर प्लस टू इसका क्या रहेगा, आपके पास प्लस टू को डोमिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो यहां मैंने एक लो स्पिन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एक लो स्पिन होता है और एक हाई स्पिन होता है, लो स्पिन और हाई स्पिन, ठीक है। तो लो स्पिन किसको कहते हैं और हाई स्पिन हम, तो लो स्पिन हमारे पास क्या होते हैं, मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई स्पिन में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लो स्पिन कब बनता है, जब वो बनता है जब हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहते हैं, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में रखते हैं। पाई एक्सेप्टर कौन से होते हैं, तो मैंने सिंपल एक वर्ड में बता देता हूं कि किसको आप स्ट्रॉन्ग कहोगे किसको वीक कहोगे। आपको यहां जिसके पास भी जो भी लिगेंड होगा, जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। पाई बॉन्ड जिसके पास प्रेजेंट होगा वो सभी के सभी क्या होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। और जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और दूसरा कौन इसमें होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसके पास थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट रखते होंगे, जैसे मेरे पास फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में आएंगे। थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। और किसको रखोगे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, जिसके पास भी पाई बॉन्ड जिसके पास भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा और थर्ड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे, तो उसे आप क्या रखोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। तो यहां जो होता है ऑक्जी मायोग्लोबिन, तो ऑक्जी मायोग्लोबिन में क्या होता था कि हमारा O2 मॉलिक्यूल था वो आकर के बाइंड हो जाता था। तो O2 मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास क्या थे, पाई बॉन्ड था, और पाई बॉन्ड जब था तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो कॉम्प्लेक्स के क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां जो बन रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां आपके पास O2 मॉलिक्यूल नहीं होते, यहां वाटर के थोड़े इंटरेक्शन रहते हैं, तो वाटर के पास पाई बॉन्ड नहीं होता, सेकंड पीरियड का होता है, तो यहां क्या होगा, वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहां क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहां अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5। मतलब यहां कितने लिगेंड जुड़े होते हैं, 5 लिगेंड, 4 तो पोरफायरिन रिंग के, और जो दो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं ना, एक लिगेंड जुड़ा होता है वो आपका स्टडीन जो जुड़ा होता है 93 वो लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ एक लिगेंड तो कौन सा होगा, स्टडीन 93, और दूसरा कौन सा होगा भाई, ना चार कौन से होंगे, स्टडीन ना पोरफायरिन रिंग के, ठीक है। इसकी बात करें तो यहां मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब यहाँ एक O2 मॉलिक्यूल और आ जाता है तो 5 से कितने जाते हैं, 6 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करूं कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो यहां ज्योमेट्री की अगर सिंपल बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं, देखो इधर ध्यान दो, कैसी ज्योमेट्री होगी, देखो ये मेरे पास सिंपली ये मेरे पास देखो पोरफायरिन रिंग होगी, तो सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होती है। जो पोरफायरिन पिछली क्लास में बताया था कि कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास, ये चार आपके पास क्या है, पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है भाई,
ये चार आपके पास क्या है, पोरफायरी रिंग के नाइट्रोजन है जो एक ही प्लेन में रखते हैं। ये आपका एक ही प्लेन बना दिया है मैंने, ठीक है, ये आपके पास। तो ये मेरे पास है, बीच में क्या जुड़ा हुआ है, आयरन एटम है। ये चार पोरफायरी रिंग है, ठीक है। अब इसके मैं यहां फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे यहां आकर के क्या जोड़ दिया, स्टडीन जोड़ दिया, स्टडीन 93। यहां फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे क्या जोड़ दिया, स्टडीन 93। तो जैसे ही आपका स्टडीन 93 होगा तो देख सकते हो आपके पास ये नाइट्रोजन जो पोरफायरिन का है, ये नाइट्रोजन जो पोरफायरिन रिंग का है, ये नाइट्रोजन जो पोरफायरिन रिंग का है, और ये नाइट्रोजन जो पोरफायरिन का है। ये चारों के चारों नाइट्रोजन एक ही प्लेन में है, जबकि ये जो मेरे पास है, ये आपके पास जो हिस्टडी 93 है, ये आपका आउट ऑफ प्लेन है। आपके पास कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है, और ये ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब यहां जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बन रही होगी, इसमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब देखो यहां जैसे ही मेरे पास ये डिऑक्सी मायोग्लोबिन था, अब ऑक्सी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके सिक्स कोऑर्डिनेटेड साइड पे कौन आकर के जुड़ जाएगा, O2 मॉलिक्यूल। सिक्स कोऑर्डिनेटेड साइड पे कौन आकर के जुड़ जाएगा भाई, O2 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही यहां O2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यहां क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। कैसा बन जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो यहां थोड़ी सी चीज आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए भाई, ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बता दिया है कौन से होते हैं, एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड को आप नॉर्मली आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे डिटेल में, किसको आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हो, किसको वीक की कैटेगरी में रखते हो, किसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखते हो, ये डिटेल स्टडी करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। पर मुझे यहाँ थोड़ा सा यूज करना है, इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है। तो आइडिया क्या ध्यान रखना है, जिसके पास भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाला अगर एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे आपके पास PR3 हो गया, तो PR3 में क्या है, फॉस्फोरस जुड़ता है, वो क्या है, थर्ड पीरियड का है। SR2 हो गया, तो ये सभी क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में आएंगे। मैंने कहा थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाला हो, या क्या हो, जिसके पास पाई बॉन्ड हो, जैसे CO हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है ना, एल्कीन हो गई, एल्काइन हो गई, O2 हो गया, इस टाइप से जिसके पास भी पाई बॉन्ड है वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां मैंने कहा थोड़ा सा और भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो क्या आइडिया होना चाहिए मैं थोड़ा बता देता हूं इनके CFT डायग्राम के बारे में। तो यहां दो ज्योमेट्री है, एक स्क्वायर पिरामिडल है और एक आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। तो इस ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल का कैसा डायग्राम होगा, CFT डायग्राम होगा, तो देखो अगर मैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे आप ऑक्टाहेड्रल में तो आप अच्छे से पढ़े होंगे कि ये मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ T2G होता है, यहाँ मेरे पास EG होता है, ये T2G होगा, ये आपका EG होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है CFT डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये मेरे पास ऑर्बिटल कौन से होते हैं, DX²-Y², इसको बोला जाता है DZ², ठीक है। इनमें से कौन कौन से हो जाते हैं, एक मेरे पास DXY हो जाता है, एक DXZ हो जाता है, और एक DYZ हो जाता है। इसको ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है। जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेते तब तक इसको थोड़ा याद रख लेना, ध्यान रखना है कैसे जनरेट होता है, कैसे स्प्लिट होता है, क्यों स्प्लिटिंग होती है, सब चीज का रीजन आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देगी, ठीक है। एक आपके पास क्या होता है CFT डायग्राम, यहां दूसरा हमें किसका पढ़ना होता है, स्क्वायर पिरामिडल, दोनों ज्योमेट्री की बात करनी है। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करूंगा तो उसका CFT डायग्राम में सबसे हायर एनर्जी का होता है DX²-Y², उससे लोअर एनर्जी में होता है DZ², उससे नीचे होता है DXY होता है, और उससे नीचे होता है DXZ और DYZ। ये आपके पास यहां ऊपर की तरफ क्या बढ़ रही है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये डायग्राम होता है स्क्वायर पिरामिडल का CFT डायग्राम होता है, और ये आपका होता है ऑक्टाहेड्रल का। जब तक आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो तब तक इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान रखना है, वहां आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये स्प्लिट क्यों होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स किसकी वजह से होते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में स्टडी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, यहां मैंने क्या बताया कि इनका जो डायग्राम है यहां से आप देख सकते हो, तो इसमें सबसे ऊपर कौन था, DX²-Y² था, उससे नीचे DZ², उससे नीचे था DXY, उससे नीचे था DXZ और DYZ, ठीक है। ये आपके पास था,
इसका सी एफ टी डायग्राम स्क्वायर पिरामिडल का, और यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा टी टू जी होगा और इसको बोला जाता है ई जी। ये मेरे पास ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, ये आपका डी एक्स वाई, ये डी एक्स जेड और ये डी वाई जेड, ठीक है, ये हो गए। अब अगर मैं इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मेरे पास आयरन प्लस टू है यहाँ, तो आयरन प्लस टू, आयरन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा भाई, 3d6 4s2, पर यहां हमें तो आयरन में नहीं, आयरन प्लस टू में है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो यहां से हम क्या कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, d6, मतलब यहां कितने d इलेक्ट्रॉन है, d6 है यहां। यहां की अगर बात करूं तो यहां पर भी आपके पास आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां पर भी कितने डी इलेक्ट्रॉन है, d6 इलेक्ट्रॉन है। यहां आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने का मतलब सभी के सभी क्या है, आपके पास सबसे पहले कोई पेयरिंग होगी नहीं, सबसे पहले क्या होगा, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद यहां पेयरिंग होगी, तो ये आपका क्या हो गया, सीएफटी डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी गई है, ठीक है। अब इसमें बात करूं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैं देख सकते हो कि यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने होंगे भाई, चार होंगे, यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार। अगर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक, उसे क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक। अब देखो, आपने एक छोटी सी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक भी पढ़ी होगी जिसमें आप ESR पढ़ते हो, तो ESR अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा MSc में पढ़ा होगा या BSc में, जब भी BSc में तो खैर है नहीं, MSc में आपने पढ़ा होगा, तो MSc में आपने जो थोड़ा पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें जो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो ESR होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी सिस्टम के पास अगर मेरे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ESR एक्टिव होगा, अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ESR इनएक्टिव कहलाएगा, ESR इनएक्टिव। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां तो चार चार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कहूंगा, ESR एक्टिव। ESR की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR क्या कहेंगी भाई, एक्टिव, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं इसकी बात, तो यहां पर d6 इलेक्ट्रॉन है, पर मुझे पता है कि यहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले क्या होगा, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे बढ़ेंगे, और यहां क्या होगा कि मेरे पास पेयरिंग होगी, तो यहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब देख सकते हो यहां कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, यहां कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, यहां n=0, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहां देखो ये आपके पास क्या होगा भाई, पैरा मैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे गलत, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये डायमैग्नेटिक लिख दिया था गलती, तो क्या होगा, ये पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब ये देखो डायमैग्नेटिक होगा, तो डायमैग्नेटिक होगा तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, ESR इनएक्टिव कहेंगे, यहां एक्टिव था, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ESR एक्टिव होगा, अगर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, ESR इनएक्टिव होगा, तो इसे मैं क्या कहूंगा, यहां ESR इनएक्टिव बोलूंगा, ठीक है, ESR इनएक्टिव कहूंगा, ठीक है। तो ये आप एक बार बता दो कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ इसमें फटाफट। हाँ कर दिया है भाई, पैरामैग्नेटिक, बताओ अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो किसी को भी, हाँ पैरामैग्नेटिक कर दिया है भाई, ठीक है, कलर का रीजन होता है मोहित, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये हाई स्पिन और लो स्पिन किसने पूछा था अभी, शेख बेंजीर,
शेख बेंजीन इधर ध्यान दे भाई, ये हाई स्पिन जो लो स्पिन होते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं लिगेंड के ऊपर, कि अगर आपका स्ट्रोंग लिगेंड होता है तो आपके पास यहाँ पेयरिंग होने लग जाती पहले, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या होता, अगर मेरे पास वीक लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, तो स्ट्रोंग लिगेंड होती है तो पेयरिंग करवा देना, जैसे यहाँ पेयरिंग करवा दिए, यहाँ पेयरिंग नहीं करवाई है, ठीक है, तो अगर यहाँ क्यों होने हैं, क्योंकि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन होगा और अगर स्ट्रोंग लिगेंड होगा तो लो स्पिन, तो यहाँ जो ऑक्जी मायोग्लोबिन होता है इसमें जो O2 होता है वो आपका स्ट्रोंग लिगेंड होता है, यहाँ आपके पास आयरन के पास 6 कोऑर्डिनेटेड डिऑक्सिन क्या जुड़ा रहेगा H2O, तो वो आपका वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा तो यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। स्ट्रोंग लिगेंड को मैं बता चुका हूँ कि किसको कहेंगे, जिसके पास भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आएगा वो, ठीक है बेंजीर। अरे ममता पहले सीख तो ले उसके बाद बुक पढ़ लेना, बुक का बहुत बहुत जल्दी हो रही, ममता सीखेगी कुछ तभी तो बुक समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, पेज पलटती रह जाओगी बस, ठीक है, लिख ले बुक कौन कौन सी पढ़नी है, कुछ 5-4 रिसर्च पेपर भी पढ़ लेना अगर ज्यादा इच्छा है तो, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुई क्लास अब बुक पढ़ने की इच्छा होने लगी, अरे पहले सीख तो ले उसके बाद बुक की सोच लेना, लिख ले हुई पढ़ लेना, किटर पढ़ लेना, हाउसक्राफ्ट पढ़ लेना, ठीक है, एक अजय कुमार पढ़ लेना जो आपकी मेन फेवरेट होगी, ठीक है, अजय कुमार भी सुष्मिता पोर फायरिंग रिंग के बारे में मैंने कोई 3 पॉइंट नहीं बोले आज की क्लास में, पोर फायरिंग रिंग के ऊपर कोई मैंने पॉइंट नहीं बोले सुष्मिता, ठीक है, ठीक है सुष्मिता, एक बार मुझे बता दो तुम क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि तुम जो कह रही हो 3 पॉइंट बोले हैं वो तुम्हें कोई पॉइंट नहीं बोला है पोर फायरिंग का, तो ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी तक, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो छोटी सी चीज यहां क्या होती है कि आपके पास यहां जो आयरन मेटल होता है ये मेरे पास क्या होती है पोरफायरिन रिंग होती है, 4 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, और इसके 5th कोऑर्डिनेटेड साइड पे क्या होती है स्टरीन होती है, ये डीऑक्सी की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, तो यहां तो होता क्या है, जब ये मेरे पास पोरफायरिन रिंग होती थी, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं डीऑक्सी फॉर्म की, यहां डीऑक्सी मायोग्लोबिन की, ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करो, डीऑक्सी मायोग्लोबिन में ये आपके पास पोरफायरिन रिंग थी, उसके 4 नाइट्रोजन थे, यहां आपका मेटल था और इस मेटल के पास ये मैंने कहा कि इसका ये क्या है dx²-y² ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई dx²-y² मेटल का है ये बीच में, ठीक है, यहां मैं क्या रख देता हूं मेटल रख देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, कलर भी कर देता हूं लो, ठीक है, ये आयरन मेटल इसका dx²-y² ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है dx² जो मैंने y² बनाया है, ठीक है, अब देखो जब ये नाइट्रोजन पोरफायरिन रिंग होती है तो जुड़ती है तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, तो ये मैंने इसके लोन पेयर रख दिए, ये मैंने क्या रख दिए इसके लोन पेयर रख दिए, ठीक है, नाइट्रोजन के हैं। अब देखो यहां जब आपने देखा होगा डीऑक्सी की जब मैंने बात की तो डीऑक्सी के अंदर क्या था, देखो यहां dx²-y² में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, dx²-y² में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो यहां देख सकते हो कि मेरे पास ये dx²-y² में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके अंदर, यहां क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके अंदर, जो एक इलेक्ट्रॉन था इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो यहां नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ये dx²-y² में इसकी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लग जाता है,
क्या होने लगता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होने की वजह से ये आपका जो डीऑक्सी फॉर्म है तो ये आपका क्या हो जाता है, इसे यहां से क्या होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और आपके पास क्या है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स को कम करने के लिए क्या हो जाता है आउट ऑफ प्लेन आ जाता है, मतलब जो पोरफायरिन रिंग का प्लेन था उसके ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल आता है, मतलब आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। कौन? जब डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है। आप यहां देख भी सकते हो कि इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आप देख सकते हो कि ये मैंने जो स्लाइड बनाई है, ठीक है, इसमें अगर मैं चेक करूं यहां तो आप देख सकते हो कि ये जो स्लाइड है, देखो यहां ये मेरे पास डीऑक्सी फॉर्म थी और डीऑक्सी फॉर्म है तो देख सकते हो कि यहां जो पोरफायरिन रिंग का प्लेन है इसके नीचे की तरफ ये आयरन मेटल है, मतलब ये मेरे पास है तो कहीं ना कहीं यहां इसके आयरन मेटल है, ठीक है। हो सकता है शायद आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो प्लीज मैं अपलोड करवा दूंगा असाइनमेंट, जो जो मैं बात बोल रहा हूं वहां पर वो अपना असाइनमेंट अपने फोन में निकाल लेना और तब देख रहा कि तब आपके फोन में इजीली यहाँ जूम होकर के दिख जाएगा कि यहाँ क्या है, तो वो प्लेन होगा, प्लेन के नीचे की तरफ यहाँ क्या बना हुआ है आयरन मेटल, मतलब इस प्लेन जो ये पोरफायरिन का प्लेन है इसके नीचे की तरफ है, मतलब इस प्लेन में है ही नहीं, और वो क्यों नहीं है क्योंकि वहां dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में जो एक इलेक्ट्रॉन है और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से वो क्या हो जाता है बाहर की तरफ आ जाता है। और ध्यान रखना कि जब भी रिपल्सन होता है तो मेटल मेटल के साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारी इसकी साइज बढ़ जाती है और ये बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहां अगर बात करें, अब देखो यहां वापिस हम उसी फॉर्म में जा रहे हैं, मैं देखो यहां अब यहां क्या होता है, अगर मैं ऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करता हूं, ऑक्सी मायोग्लोबिन में आप देख सकते हो कि ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल है और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में। जब dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं तो यहां से मैं अगर ऑक्सी मायोग्लोबिन की मैं बात करूं तो ऑक्सी मायोग्लोबिन होगा तो मेरा ये नाइट्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन होगा तो इसमें यहां आयरन मेटल होगा और इस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, और जब यहां dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होगा नहीं तो ये क्या रहेगा प्लेन में ही रहेगा, रिपल्सन्स नहीं होगा तो इस आयरन की साइज क्या रहेगी कम रहेगी, यहां लार्जर साइज का था यहां स्मॉलर साइज का है क्योंकि यहां रिपल्सन्स होने की वजह से मेटल की साइज बढ़ गई, यहां रिपल्सन्स है नहीं क्योंकि यहां dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप यहां से देख सकते हो कि यहां मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब यहां क्या हुआ कि यहां कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा नहीं तो ये क्या रहेगा प्लेन के अंदर ही रहेगा, ये क्या रहेगा प्लेन के अंदर ही। तो यहां से स्लाइड में आप चेक कर सकते हो इसकी मैकेनिज्म में, आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जो है, देखो यहां जो ये क्या है जब O2 जुड़ गया है तो ये देख सकते हो कि यहां जो है प्लेन के पोरफायरिन के प्लेन के अंदर ही है, पोरफायरिन के प्लेन के प्लेन के अंदर ही है, मतलब ना आउट ऑफ प्लेन नहीं है। तो आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ कि मेरे पास जो आयरन मेटल है ये डीऑक्सी और ऑक्सी के अंदर क्या पोरफायरिन के प्लेन में ही रहता है या आउट ऑफ प्लेन रहता है, तो हम क्या कहेंगे डीऑक्सी मायोग्लोबिन में तो यह क्या रहता है भाई आउट ऑफ प्लेन रहता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डीऑक्सी मायोग्लोबिन में क्या होगा पोरफायरिन रिंग ना आयरन मेटल, आयरन मेटल क्या होगा भाई आयरन मेटल प्रेजेंट इन अबव ऑफ द प्लेन ऑफ पोरफायरिन, अबव ऑफ प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग, इन डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है डीऑक्सी मायोग्लोबिन में, ये किसके लिए डीऑक्सी के लिए, ऑक्सी में क्या हो जाएगा सेम काम हो जाएगा कि आयरन मेटल यहां क्या हो जाएगा कंप्लीटली फिट हो जाएगा, मतलब उसके प्लेन में ही आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि आयरन मेटल प्रेजेंट इन, आयरन मेटल इज
कंप्लीटली फिट है, कंप्लीटली फिट इनटू द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग। कंप्लीटली फिट इन द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग, ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि कौन प्लेन के अंदर है कौन प्लेन के बाहर है। अब देखो यहां से नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। जो मेरा आयरन मेटल था और ये नाइट्रोजन है आपका फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम, यहां क्या होता था आयरन मेटल के पास क्या होता था इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में, और आपके पास जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था उसके बीच में। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से आयरन की मेटल की साइज बढ़ गई, और साइज बढ़ गई तो यहां बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये मेरे नाइट्रोजन से डीऑक्सी की बात करता हूं, तो डीऑक्सी में क्या होता है इस आयरन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है लार्जर होती है, जबकि ऑक्सी मायोग्लोबिन की मैं बात करता हूं तो यहां आयरन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है स्मॉलर होती है, यहां क्या होती है लार्जर होगी और यहां क्या होगी भाई स्मॉलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है नहीं, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा तो ये मेरी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी स्मॉलर हो जाएगी। तो यहां क्या बन जाता है इसकी जो होती है 1282 पिकोमीटर होती है, और यहां जो होती है इसकी 197 पिकोमीटर होती है। इसकी कितनी होती है बॉन्ड लेंथ 197 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो बताओ इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट पूछ सकते हो, हमारा मायोग्लोबिन जो था वो कंप्लीट हो लिया है, ठीक है। सर मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर, सुष्मिता मायोग्लोबिन बोलने के टाइम में तो कुछ नहीं कहा, सिंपली एकदम क्या कहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने तो। सुष्मिता कोई पॉइंट बताओ किसके ऊपर क्या बोला था, मेरे तो कोई याद नहीं है भाई, ठीक है। पोरफायरिन का ऐसा सुष्मिता एक बार बता दो कि ये बात सर आप बोल रहे थे तो उसके रिलेटेड मैं बता दूंगा। सर ना सर आपने डीऑक्सी मायोग्लोबिन में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लिया है तो हम वाटर को के हिसाब से क्यों बोल रहे हैं हाई स्पिन बनेगा। अरे वाटर के हिसाब से नहीं, यहाँ सना सब कोई जो लिगेंड है वो सारे वीक लिगेंड है, यहाँ सारे क्या है वीक लिगेंड है, ठीक है ना। सभी जो पांच तो वो तो क्या है नाइट्रोजन ही जुड़े हुए तो वो सभी क्या है सेकंड पीरियड के हैं, ठीक है, ठीक है सना। तो उनसे तो बन नहीं रहा, और जो जुड़ रहा है वो सिक्स जो होगा वो वाटर होगा, तो यहाँ हरेक लिगेंड ही क्या है वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने कहा जिसके पास पाई बॉन्ड हो और जो क्या हो थर्ड पीरियड है उससे नीचे वाला हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगी कैसे कौन से को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं क्यों कहते हैं, वो एमओटी एक्सप्लेन करती है, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है सर। अगर वोटर लिया है तो कोऑर्डिनेशन वोटर नहीं जुड़ा होता, फतिमा अभी दिखाया ना स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर थी वो यही तो थी। देखो यहां से हम थोड़ी ले सकते अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते, यहां से आप देखो कि यहां मेरे पास जो जुड़ा हुआ है ये आपकी देखो यहां बाइंडिंग हुआ है तो यह O2 मॉलिक्यूल है, यहां कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा हुआ है देखो यहां, ठीक है। तो ये O2 मॉलिक्यूल है और यहां मेरे पास ये क्या है स्टडी 93, ठीक है फतिमा। हाँ एक बार सुष्मिता देख लेना क्योंकि मुझे इमिडाजोल रिलेटेड, अच्छा अच्छा देखो मैंने वो पोरफायरिन रिंग से रिलेटेड नहीं कहा था, मैंने कहा था कि भाई इससे ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्टडीन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन है इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट पे कौन सा प्रोटीन चेन जुड़ा होता है, तो कौन सा होता है स्टडीन होगा, ठीक है, और उस स्टडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। तो वो रिंग दूसरा पॉइंट क्या था, कौन सी रिंग प्रेजेंट, तो वो था आपके पास कौन सी इमिडाजोल रिंग थी। तीसरा मैं पॉइंट कहा था कि ये जो आयरन मेटल है, ये आयरन मेटल है ये कौन से यहां स्टडीन के जो आयरन मेटल है और ये स्टडीन है तो इसमें कौन से एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां नाइट्रोजन एटम के साथ ये आयरन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है सुष्मिता। अरे नहीं आज इतना ही थोड़ी ना है, मैंने ये कहा है कि भाई खत्म हो गया मायोग्लोबिन, थोड़ा और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है टेंशन ना लो संदीप, और भी पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो मैं आगे बढ़ू क्या।
बताओ भाई आगे बढ़ूं। आगे चलें। ओके सुष्मिता, बताओ आगे बढ़ें क्या? देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हीमोग्लोबिन का मतलब यहाँ क्या है, एक तो हेम ग्रुप है और दूसरा ग्लोबिन है, ठीक है। हेम ग्रुप का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपने हेम ग्रुप मैंने पढ़ाया ही है कि हेम ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ एक तो हमारे पास क्या है, हेम ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ कि हेम ग्रुप हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो मैं क्या कहूंगा कि हेम ग्रुप में क्या होता है, आयरन मेटल होता है प्लस पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ क्या है कि आपके पास यहाँ लिखा है ग्लोबिन, और ग्लोबिन का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रोटीन चेन बोला जाता है। ग्लोबिन अगर एग्जाम में लिख दिया जाता है कहीं पर ग्लोबिन, तो उसका मतलब समझ जाना, उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन चेन बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं भाई, प्रोटीन चेन बोला जाता है। तो यहां जो क्या है, दो वर्ड से मैंने कहा, एक तो हेम ग्रुप से और दूसरा ग्लोबिन मतलब प्रोटीन चेन से। यहां पर भी आपके पास दो टाइप का हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर बनती है, एक तो इसको बोला जाता है अल्फा, क्या अल्फा होता है, किसको अल्फा कहते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी होती है बीटा। यहाँ दो अल्फा होती है, दो यूनिट होती है अल्फा, टोटल जो होती है चार यूनिट होती है। तो दो अल्फा होती है और दो बीटा होती है, इसीलिए इसका नाम जो होता है वो होता है अल्फा टू बीटा टू टेट्रामर, अल्फा टू बीटा टू टेट्रामर। देखो यहां मेरे पास टू अल्फा यूनिट टू बीटा। इस अल्फा के अंदर क्या होते हैं, जैसे आपने मायोग्लोबिन पढ़ा, तो मायोग्लोबिन में क्या होते हैं, क्या एमिनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो वहां कितने होते थे, 153, जो उस मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अराउंड में क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। यहां पर क्या था, दो अल्फा जो यूनिट है इसमें क्या होते हैं, 141 एमिनो एसिड होते हैं, जैसे वहां कितने थे, 153 थे। ऐसे बीटा के अंदर 146 एमिनो एसिड होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, बीटा के अंदर अगर बात करूं तो मैं कहूंगा 146 होते हैं, अल्फा की अगर बात करता हूं तो 141 एमिनो एसिड उसके सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी हीमोग्लोबिन की बात करूं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती क्या नहीं होती, तो अगर वो मैं बातें देखूं तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो देखो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको सबको पता है हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी क्या होती है भाई, रेड ब्लड सेल, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ब्लड के अंदर होता है, खून के अंदर होता है हमारा क्या, हीमोग्लोबिन। तो उसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है उसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन जैसे सिंपली जो मायोग्लोबिन था वो क्या करता है, डाइऑक्सीजन का स्टोरेज करने काम करता था। यहाँ हीमोग्लोबिन क्या करता है, डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। किसमें होता है, हीमोग्लोबिन, कहां से होता है, लंग्स टू टिश्यूज। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है कहां से कहां होता है, लंग्स टू टिश्यूज के में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लंग से टिश्यूज में क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, मान लो काम किया आपने, दो तरह काम होते हैं सिंपली अगर बात करूं तो, मैं एक मेंटली वर्क करते हो, एक फिजिकली वर्क करते हो, ठीक है। तो अगर दोनों ही जो वर्क कर रहे हो आप, उससे क्या, हमारी बॉडी जब थक जाती है तो हमें क्या, किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, खाने से आपकी भूख खत्म हो जाती है, तो वहां से क्या मिलती है, उस शरीर को क्या मिलती है, बॉडी को आपको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती होगी वो एनर्जी, देखो आपने लंच किया, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका क्या होता है, ग्लूकोज जाता है आपके, तो ग्लूकोज जो होगा, आपने खाना खाया तो वो किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक। और ग्लूकोज जब होगा तो वो क्या होता है, डीकम्पोज होता है,
और डिकम्पोज होने के बाद कुछ CO2 गैस रिलीज करता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। मैंने क्या कहा, आपने खाना खाया तो वो खाना किसकी फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है हमारी बॉडी में। तो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, तो ग्लूकोज क्या होता है, जब डिकम्पोज होता है, मैंने कहा आपने वर्क किया है, वर्क किया है तो एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज क्या करेगा, वो खुद डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिकम्पोज होगा तो CO2 प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, और यही एनर्जी हमें क्या मिल जाती है, बॉडी को वापिस मिल जाती है, वापिस उसी फॉर्म में आ जाती है हमारी बॉडी। तो यहां से ये एनर्जी चाहिए होती है, ये कहां से आ रही है, ग्लूकोज से आ रही है, कि ग्लूकोज डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के CO2 प्लस एनर्जी देता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज जो हरा है, तो यहां ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूं, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जीरो होती है, यहां अगर CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +4 होती है। कितनी होती है, +4। तो देखो जीरो से जब +4 आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो से जब +4 आ रहा है तो यहां क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज को जो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हो, या तो ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना या मेरे पास ऑक्सीजन का ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहते हो, या तो हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहां क्या होगा, ये CO2 में कन्वर्ट होगा नहीं, और CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसे एनर्जी चाहिए, तो ये कहां से क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी। अब हमारी बॉडी कहां से ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन कहां से ले आएगी, थोड़ी ना कहीं बाजार से खरीद के ले आएगी, तो इसका मतलब बॉडी में सिर्फ कहीं से कहीं से आएगा ही वो ऑक्सीजन। तो कैसे आता होगा वो ऑक्सीजन, क्योंकि यहां जब हमने खाना खाया तो किस फॉर्म में आ, ग्लूकोज की फॉर्म में, और एनर्जी चाहिए तो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के CO2 प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन मिलेगा तभी ये CO2 में जाएगा। तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो वो आता है जैसे आपने एयर के थ्रू क्या किया, यहां आपने क्या क्या ऑक्सीजन के क्या लिए लिया, ऑक्सीजन जब डाइऑक्सीजन लोगे एयर के थ्रू आपने ब्रीथ में क्या किया, तो यहां ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन कहां से कहां जाता है, हैं, लंग्स के अंदर जाता है वो ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जो होता है वो कहां जाएगा, लंग्स के अंदर। आपने एयर के थ्रू क्या किया, डाइऑक्सीजन लिया, तो लिया तो वो कहां गया, लंग्स के अंदर, मतलब फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों से कौन लेता है, वहां आपके पास हीमोग्लोबिन, मतलब लंग्स से क्या करेगा, वहां से लंग्स से टिश्यूज में लेके जाएगा। ये जो डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करेगा, लंग्स से टिश्यूज के अंदर, लंग्स से टिश्यूज के अंदर क्या कर देगा, डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। टिश्यूज में कौन रहता है, आपका मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को ले जाकर के दे देगा, मायोग्लोबिन क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, मायोग्लोबिन क्या कर लेता है, उसको स्टोर करके रख लेता है, कि भाई जब तेरी बॉडी को जरूरत होगी तो मैं दूंगा ऑक्सीजन। और वो कब देगा, यहां जब बॉडी को जब जरूरत पड़ती है तो मायोग्लोबिन क्या दे देता है, यहां से डाइऑक्सीजन दे देता है, और यहां ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होते ही एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में। तो इससे क्या हो जाता है भाई, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में दोनों एक साथ काम करने चाहिए, अगर एक में भी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें भी हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें भी क्या होता है, हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन में भी हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां हेम ग्रुप अगर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप अगर मेरे पास प्रेजेंट है, तो ये यहां क्या होगा भाई, हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप होगा तो आयरन होगा और पोरफायरिंग होगी। तो इसका मतलब मायोग्लोबिन में भी हेम ग्रुप था, यहां क्या होता है, टेट्रामर प्रेजेंट होता है, टेट्रामर प्रेजेंट होता है, किसका, टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन लाइक मॉलिक्यूल, मायोग्लोबिन लाइक मॉलिक्यूल का मतलब मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन की जो अभी मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई, ऐसी चार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, इसका मतलब एक टेट्रामर प्रेजेंट होता है, उन्हीं टेट्रामर को ही आपने क्या नाम दिया था, यहां से
उसी टेट्रामर को आपने यहाँ नाम दिया है अल्फा और बीटा, मतलब जो चार मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर है उसमें से दो को आप क्या कह रहे हो अल्फा और दो को क्या कह रहे हो बीटा। अल्फा वाली के अराउंड कितने रहेंगे, एक अल्फा यूनिट के अराउंड कितने रहेंगे 141, दो अल्फा है तो क्या कर दोगे 141 प्लस 141 तो कितने हो जाएंगे 282 हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के अराउंड कितने रहेंगे 282 रहेंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे 142 स्ट्रक्चर है, एक में 146 दूसरे में 146, मतलब कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 292। तो मेरे पास जो चार स्ट्रक्चर उनमें से दो, कोई भी दो मेरे पास क्या रहेंगी अल्फा फॉर्म और दो क्या रहेंगी बीटा फॉर्म, और ये आपस में बाइंड किससे होती हैं, सोल्ट ब्रिज से बाइंड होती है। ये चारों जो स्ट्रक्चर रहेंगी बाइंड्स किससे, सोल्ट ब्रिज से, किससे बाइंड रहेंगी सोल्ट ब्रिज से बाइंड रहती है, ठीक है सोल्ट ब्रिज से बाइंड रहती है। तो ये बाइंड, अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है वो मैं बात करूंगा जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसकी, तब उसे बात करूंगा कि सोल्ट ब्रिज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेरे पास ये हेम ग्रुप हो गया, टेट्रामर हो गया, तो ये सभी बातें इसके अंदर होती हैं। अब जो एक कलर होता है, जैसे ब्लड का कलर आप सभी जानते हो क्या होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, क्यों होता है, ड्यू टू मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, यहां थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन यूज करूंगा, ट्रांजिशन की बात करूं, कलर थ्योरी होगी तो कलर थ्योरी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल से कि कैसे कलर जनरेट होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे ट्रांजिशन होता है। बस आपको यहां थोड़ी सी बायो इनऑर्गेनिक यूज करता है इसलिए मैं यहां बता देता हूं साथ के साथ कि यहां जो कलर आता है किसकी वजह से आता है। तो ये मेरा रेड कलर होता है ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन, किसी वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से यहां क्या होता है रेड कलर होता है, पाई टू पाई स्टार की वजह से यहां क्या आता है रेड कलर आता है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें बेसिक बातें थी, हीमोग्लोबिन में कैसे वर्क करता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, वो भी मैं बातें यहां डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां बात करने जा रहे हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती होगी। तो मैंने कहा यहां मायोग्लोबिन लाइक टेट्रामर प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर होती है, मतलब आपके पास कुछ इस टाइप से यहां स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी कि ये जैसे मेरे पास क्या रहेगा, यहां इसके फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइड पे क्या है स्टेडिन है, ठीक है। तो ये इसके अराउंड में, जैसे ये अल्फा है तो इसके अराउंड में 141 एमिनो एसिड घूम रहे हुए, अगर बीटा है तो यहां 146, ध्यान रखना वो एमिनो एसिड की फॉर्म में नहीं होते, वो सिंपल किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन चेन की फॉर्म में होते हैं। यहां पर भी आपके पास सेम वही काम होगा कि आयरन मेटल होगा और ये पोरफायरिन, मैंने कहा चार आपके पास क्या रहेगी मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर रहेगी, तो यहां क्या हो जाएगा ये स्टेडिन, तो ये मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। यहां मेरे पास मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, कैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना देता हूं भाई, ठीक है, यहां चारों स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट खुद, ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास तीसरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। इसके अराउंड में अगर अल्फा है तो इसके अराउंड में क्या रहेंगे 141 एमिनो एसिड रहेंगे, घूम रहे होंगे किस फॉर्म में, प्रोटीन चेन की फॉर्म में। और अगर मेरे पास ये बीटा फॉर्म होगी तो 146 रहेंगे, ये आपके पास स्टेडिन हो गई, ठीक है, और ये बन गया। अब यहां मेरे पास क्या है, इसके बगैर यहां ये क्या जुड़े हुए हैं, यहां प्रोटीन चेन जुड़, ये मेरे पास क्या है सोल्ट ब्रिज है, क्या है सोल्ट ब्रिज, यहां पर भी क्या है ये सोल्ट ब्रिज है, यहां पर ये भी क्या है यहां सोल्ट ब्रिज है, ये इस टाइप से सभी की सभी सोल्ट ब्रिज से क्या है बाइंड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सोल्ट ब्रिज आखिर है क्या, ये कौन से सोल्ट ब्रिज है, किसको कहते हैं सोल्ट ब्रिज, कैसे बने होंगे,
तो देखो यहां मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसके अराउंड क्या रहती है, मेरे पास अगर अल्फा है तो इसके साथ में क्या होगी 141, अगर बीटा होगी तो 146 एमिनो एसिड, वो प्रोटीन चेन की फॉर्म में रहेगी। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास प्रोटीन चेन की बात करूं तो एक एमिनो एसिड से मिलकर बना रहेगा, और एमिनो एसिड में क्या होते हैं, एक तरफ सी डब्ल्यू माइनस होता है और एक तरफ क्या होता है एन एस थ्री पॉजिटिव होता है। तो एक प्रोटीन चेन का तो एन एस थ्री पॉजिटिव और दूसरे प्रोटीन चेन का सी एस थ्री सी डब्ल्यू माइनस के बीच में, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शंस होते हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शंस को ही हम यहां क्या नाम दिया है, सोल्ट ब्रिज। यहां क्या नाम दिया है, सोल्ट ब्रिज। किस किस के बीच में होता है, एन एच थ्री पॉजिटिव, एक प्रोटीन चेन का तो एन एच थ्री पॉजिटिव और दूसरी प्रोटीन चेन का सी डब्ल्यू माइनस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शंस को ही क्या बोला जाता है, यहां सोल्ट ब्रिज नाम दिया जाता है, यहां सोल्ट ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब यहां चारों में, यहां जो सिक्स कोऑर्डिनेटेड वैकेंट साइट है, इसमें जो डायऑक्सन बेंट फॉर्म में आकर के जुड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ना सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इनमें अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कंपेरिजन की मैं बात करूं कि क्या कंपेरिजन होगा डीऑक्सी के अंदर और ऑक्सी के अंदर, तो देखो डीऑक्सी की अगर मैं बात करता हूं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो यहां पर भी जो मेरा आयरन मेटल होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई, यहां पर वो आपके पास होता है आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो किस में होता है, आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर भी जो होता है वो आयरन आपका प्लस थ्री में भी रहता है और प्लस टू में भी रहता है। ठीक है, जैसे आपने वहां मायोग्लोबिन में तो क्या किया था, यहां प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को रखा था, डोमिनेट किया था कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलेंगे, यहां आप प्लस थ्री में रखोगे चलोगे। ठीक है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन, इसको आप प्रिफरेंस दोगे। अगर आपसे पूछता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो प्लस थ्री पे टिक करके आना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑक्सी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, यहां आपने सेम वही स्ट्रक्चर है, देखो सेम वही है मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, तो सारी की सारी कहानी वही सेम रिपीट होती रहेगी इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर, सेम वही कि यहां मेरे पास आयरन प्लस टू था, यहां मेरे पास क्या था, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, यहां क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेम वही बात की, यहां O2 जुड़ जाता है ऑक्सी के अंदर, तो वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात हो जाएगी। ठीक है, यहां मेरे पास लो हाई स्पिन होगा तो वही मेरे पास क्या होगा, फाइव कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव होगा तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो वही चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेड चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो ESR क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव हो जाएगा। मैंने बताया जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ESR एक्टिव होगा, और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ESR इनएक्टिव होगा। यहां मेरे पास लो स्पिन होगा तो यहां देखो आयरन किस फॉर्म में है, प्लस थ्री की फॉर्म में, वही किस फॉर्म में है, प्लस थ्री की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। प्लस थ्री की फॉर्म में होंगे तो कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी फाइव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी फाइव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री फोर और फाइव, तो ये आपका बन जाएगा, देखो यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहां ये मेरे पास बढ़ जाएगा, ये होगा तो सिंपली यहां क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, पर यहां एक्चुअल में होता क्या है, ये डायामैग्नेटिक होता है, ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, और डायामैग्नेटिक होगा ये मेरा क्या है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होगा तो ये सार क्या होगा, इनएक्टिव। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर डायमैग्नेटिक क्यों होगा, तो देखो यहां होता क्या है, जब ये मेरे पास आयरन का एक इलेक्ट्रॉन, इस आयरन का एक इलेक्ट्रॉन जब O2 जब बाइंड होने आता है तो ये O2 मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और O2 माइनस की फॉर्म में आ जाता है, और एक्चुअल में ये मेरे पास मेटल पर यहां एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है, ये O2 मॉलिक्यूल, तो इस आयरन के पास क्या नहीं होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसे
ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसी को ही बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। मतलब यहां आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, कपलिंग फॉर्म में आ गया, कपल्ड हो गया किसके साथ, O2 के साथ। तो ऑक्सीजन का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, आपको पता है O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, तो वो क्या कर लेता है इसके साथ कपल कर लेता है, और उसी कपलिंग को ही क्या बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। उसी कपलिंग का ही नाम क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो ये ध्यान रखना है डायमैग्नेटिक होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। अब यहां देखो, यहां मेरे पास तो O2 यहां बाइंड होता है, यहां का अगर मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, तो डीऑक्सी की बात करते थे, तो डीऑक्सी में मेरे पास क्या होता था, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल क्या होता था, आउट ऑफ प्लेन प्रेजेंट होता था, प्लेन के बाहर की तरफ होता था। ध्यान रखना, नोट कर लेने पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास प्लेन जो होता था ये प्लेन है, तो इसके आउट ऑफ प्लेन होता था डीऑक्सी में, क्यों होता था मैंने बताया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन के कारण ही वो आयरन मेटल क्या होता है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। पर जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में सेम वही कहानी है जो मैंने मायोग्लोबिन में समझाई है, सेम हीमोग्लोबिन में भी वही होगा कि वहां जैसे ही आपके पास क्या हो जाता है, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आप यहां देख सकते हो कि यहां एक भी, यहां मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो यहां कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहां इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा नहीं, रिपल्शन नहीं होगा तो यहां प्लेन के अंदर फिट हो जाएगा, इसमें प्लेन के अंदर कंप्लीटली फिट हो जाएगा और डीओक्सी में यहां आउट ऑफ प्लेन रहेगा। नोट कर लेने बात, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां मेरे पास आयरन नाइट्रोजन, वही सेम बात कि यहां रिपल्शन होने की वजह से आयरन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा है पोरफायरिन, या उसमें किसकी बात कर रहे थे स्टडीन की, तो स्टडीन का नाइट्रोजन और ये आयरन, तो इनके बीच में ये क्या होगा बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी। ठीक है, इसमें क्या होती है भाई शॉर्टर होती है, इसमें नाइट्रोजन आयरन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी शॉर्टर होगी। ठीक है, ऑक्सी में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है नेट के अंदर, क्या क्वेश्चंस पूछा था आपके पास, क्वेश्चंस दिया था भाई, क्या क्वेश्चन दिया था मैं लिख देता हूं यहां, क्वेश्चंस पूछा था कि आपके पास यहां आयरन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करवाया था डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ना सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करवाया था आयरन नाइट्रोजन की और ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे मैं ऑप्शंस बना देता हूं यहां, ए ऑप्शन दे रखा था 2.1 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास क्या हो जाता है 2.2 एंगस्ट्रॉम, यहां 2.3 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शंस की बात करूं तो 2.1 एंगस्ट्रॉम, 2.1 एंगस्ट्रॉम, और डी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो 2.3 एंगस्ट्रॉम और 2.5 एंगस्ट्रॉम। पूछा था कि करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, तो देख सकते हो आपको पता है कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लार्जर होती है और ऑक्सी में क्या होगी स्मॉलर होगी। चेक करो कि डीऑक्सी में लार्जर कहां है, तो आप देख सकते हो ए ऑप्शंस के अंदर ही क्या है, डीऑक्सी में तो 2.1 है और यहां 2 है, या इसका मतलब ये ऑप्शंस आपका करेक्ट है, इसकी बात करो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहा है, यहां इक्वली कर दी, इक्वल भी नहीं होती है, और यहां पर भी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बढ़ा कर दिया है, तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ओनली कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा था नेट के अंदर, तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। अगर मैं यहां बात करूं कि डायऑक्सन, तो यहां मैंने जैसे बताया कि मेरा आयरन जब प्लस टू में होता है डीऑक्सी फॉर्म में और जब ऑक्सी फॉर्म में जाता है तो किस फॉर्म में आ जाता है भाई प्लस थ्री की फॉर्म में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यहां लॉस होता है और एक इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है उसको कौन कर लेता है आपका O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो गेन कर लेता है, और O2 किस फॉर्म में आ जाता है O2 माइनस, मतलब यहां पर भी जो O2 जुड़ रहा है वो किस फॉर्म में जुड़ रहा है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ रहा है, और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ रहा है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने की अप्रोक्स बताई थी मैंने कहा था सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है तो 1100 की अप्रोक्स होगी, और अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है तो आपकी 800 की अप्रोक्स रहेगी, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी 1100 पर सेंटीमीटर की अप्रोक्स आएगी, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 पर इसके ऊपर हो सकती है कि मेरे पास 1100 की अप्रोक्स रहेगी बस। ठीक है, ये बात, यहां जो O2 जुड़ता है O2 माइनस जुड़ता है किस फॉर्म में जुड़ता है बेंट फॉर्म में जुड़ता है, क्यों जुड़ता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही सारे सेम कॉन्सेप्ट लगाने जो मैंने मायोग्लोबिन में तुम्हें पढ़ाए वही सारी बातें लगानी है यहां,
सीओ सी एन या एनओ क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि वो लीनियर फॉर्म में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब बताओ इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई फटाफट पूछ सकते हो आप। ठीक है, फिर हम आज यही आपकी इसका रोक रहे हैं। तो अब इसका जो बचा है वो इसका क्या होगा, एप्लीकेशन पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लो भाई। अरे हाँ समीन, वही होता है पाई टू पाई स्टार या इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार। ठीक है, ठीक है भाई, इसकी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछो भाई, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है। तो वही सारी बातें सेम है जो मैंने मायोग्लोबिन में अच्छे से तुम्हें डिटेल से समझाई, वही के वही सारे कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको अप्लाई करने हैं, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं आपको। ध्यान रखना है, देखो जो दोनों डीओक्सी फॉर्म थी वो दोनों की दोनों क्या थी, पैरामैग्नेटिक। दोनों जो डीओक्सी हीमोग्लोबिन और डीओक्सी मायोग्लोबिन वो दोनों क्या थी, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो दोनों क्या है, आपकी डायमैग्नेटिक है। ठीक है, वो दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक। दोनों में ही O2 माइनस की फॉर्म में जुड़ता है, मतलब सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है, और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ेगा तो वहां क्या होगा, आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने की अप्रोक्स आएगी, 1100 की अप्रोक्स आएगी। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा हेमरथिन हेमोसाइन, उसमें O2 जो जुड़ता है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ेगा, और पर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने की अप्रोक्स आएगी, 800 की अप्रोक्स। ठीक है, 800 की अप्रोक्स, नो डाउट। सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कलर में डिफरेंस डिफरेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, ठीक है, डीऑक्सी का जो कलर होता है वो कलरलेस की फॉर्म में होता है, इसमें नहीं होता है, थोड़ा सा वो वोलेट टाइप ऐसे कलरलेस की फॉर्म ऐसा होता है, ज्यादा मतलब रेड कलर नहीं होता इसमें, इसमें डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज, यहां सिंपली ये बताया गया है कि सोल्ट ब्रिज बस जो आपके पास प्रोटीन चाहिए जैसे एमिनो एसिड, मैं पहले ही बता दिया है भाई, आज चाहे गूगल से सर्च करो चाहे बुकलेट से देखो, जो अल्फा एमिनो एसिड की 20 स्ट्रक्चर उनको याद करना है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि जो भी अल्फा एमिनो एसिड है उसके पास एक तो NH3 पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब NH2 रहता है, और एक आपके पास CWH ग्रुप होता है, तो उसका NH2 जो होता है वो CWH का एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो NH3 पॉजिटिव में रहता है और वहां CW-, तो एक प्रोटीन चेन का तो NH3 पॉजिटिव तो उसके पास पॉजिटिव है, और दूसरे के पास क्या है, CW- तो उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है, सोल्ट ब्रिज कहते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, सोल्ट ब्रिज बोला जाता है। अरे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग का मतलब होता है कि आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मान लो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों कपल कर गए और कपलिंग होकर के पेयर्ड फॉर्म में आ गए, मान लो मेरे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कलर थ्योरी के अंदर ही पढ़ोगे ना, मैग्नेटिज्म के अंदर, सॉरी मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिले, बातचीत की इन्होंने, और दोनों किस फॉर्म में आ गए, पेयर्ड फॉर्म में आ गए, तो हम तो क्या कहते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो यहां ये दो अलग अलग जगह से आए हैं दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन और आकर के पेयरिंग कर लेते हैं, इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कहते हैं। आप डिटेल में पढ़ोगे कहां, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मैग्नेटिज्म टॉपिक के अंदर। ठीक है, थोड़ा मैं आइडिया दे दिया कि भाई एंटी फेरोमैग्नेटिक की कपलिंग की वजह से ये ऐसा होता है कि ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये मैंने कहा सिर्फ यहां आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आता है गेन करता है आयरन मेटल से ही। ठीक है, आयरन मेटल से ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो जो O2 माइनस बनता है ये आपका आयरन मेटल की ही से ही गेन करता है। ठीक है, ठीक है बेंजीर, हाँ सुष्मिता आज का लेक्चर खत्म हो गया, बस इतना ही, आयरन मेटल से ही गेन करता है, जो आयरन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उनसे गेन कर लेता है और परऑक्साइड की फॉर्म में, ना सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है।
ठीक है भाई। और बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। बताओ हो गया क्या, बताओ भाई और कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को। ठीक है तो आज का लेक्चर जो हम यहीं रोक रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छे से इसको थ्योरी को देखो, बार बार इसको पढ़ते रहना है, धीरे धीरे थ्योरी बढ़ती जाएगी तो इसको समझते रहना है। और जो आपके पास जो पीडीएफ है, वो असाइनमेंट है, वो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। उसको आप अच्छे से देख लेना है, ठीक है भाई। गुड नाइट सभी को, ठीक है, ओके बाय।